साथ कोई दुर्घटना घटी उसका धन्यवाद। यहाँ पर भुजिया बाजार डिस्पेंसरी दो के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ कमियां पाई जाती है, पर कल बड़े घोर एक बात हम निंदा करते हैं ऐसे डॉक्टरों की कि कल यहाँ डॉक्टर की जगह एक नर्सिंग स्टाफ मरीज को देख रहा था। दूसरी बात, यहाँ चार चार महीने से फार्मासिस्ट नहीं है और हेल्पर के द्वारा दवाएं दी जा रही है, क्या ये सही है क्या? काफी हद तक यहाँ ऐसी हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर एक मरीज अनेक, पर यहाँ की जो हालात है हर आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ प्रभारी महोदय का हम सभी क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अगर यहाँ सीएमएचओ साहब अगर नहीं आएंगे तब तक हम किसी भी स्टाफ को बाहर नहीं जाने देंगे, क्यों कि यहाँ मरीज दिखाने आता है, अपने जिंदगी का सौदा करने नहीं आता। ऐसी घोर लापरवाही देखने को मिली है। अगर कल फार्मासिस्ट अगर मान लो नहीं है, हेल्पर अगर वहां दवाई देता है, अगर किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्घटना घटती है उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये जो अभी भी आपके सामने यहां मरीजों की संख्या अत्यधिक है, डॉक्टर एक है और यहां फार्मासिस्ट की जगह लेबर है, हेल्पर है, क्या वो सही है क्या? यहाँ चिकित्सा मंत्री को भी हम ज्ञापन देंगे कि अगर ऐसी घोर लापरवाही है तो क्यों ना यहाँ पर ताला लगाया जाए जिससे मरीजों को सुरक्षा मिले। और यहाँ एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी घटनाएं, जैसे पिछली बार कोरोना काल के अंदर मरीज ने खुद ने जांच करवाकर काफी सैकड़ों की तादाद में मरीजों को देखा है, क्या ऐसी लापरवाही क्या सही है क्या? जो जिसको हम भगवान का रूप देते हैं वही मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए हम एक बार चेतावनी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से कहते हैं कि जब तक यहाँ किसी भी तरह व्यवस्था नहीं होगी या लिखित में नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र के लोग नहीं जाएंगे।